हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बर्गेन का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी अब्दी मटन सीख कबाब। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से अपने घर में अपने रेस्टोरेंट में अब्दी सीख कबाब कैसे बनाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं मटन मैंने धोके एक छलनी के अंदर रखा है। ऐसे रखना जरूरी है ताकि इससे क्या होता है इसका सारा पानी नचुर जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना पानी नीचे नचुर चुका है एक्स्ट्रा पानी, तो ऐसे नचुरना जरूरी है। उसके बाद आपने क्या करना है इसको ऐसी एक बड़ी सी परात में डाल लेना है। ये देखिए ऐसे करके परात में डालने के बाद क्या करना है आपको दिखाता हूं। आपने लेना है ऐसा एक कपड़ा और कपड़े से इसको पोंछना है। ऐसे पोंछना भी जरूरी है, इससे क्या होता है पानी एकदम अच्छे से सूख जाता है। ये देखिए इस तरीके से आपने पोंछना है ताकि पानी नहीं होना चाहिए। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम सीख में मटन लगाते हैं सीख कबाब तो गिर जाता है। गिरता इसलिए क्योंकि आप ऐसे नहीं बनाते हैं। ये देखिए ऐसे आप जब पोंछेंगे ना अच्छी तरीके से तो आपका कबाब गिरेगा नहीं। ये देखिए इसको बोलते हैं सुखाना। तो आपने ऐसे करके मटन को सुखा लेना है। देखिए बिल्कुल पानी नहीं है तो ऐसे पानी नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या करना है सुखाने के बाद, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये है चीज मैंने टीन से निकाल के रखा है ताकि वीडियो बनाने में आसानी हो। तो आपने क्या करना है इसको छोटा छोटा काट लेना है। ये अमूल चीज है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसका नाम भी आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे काटने हैं, देखिए इसका वजन है 450 ग्राम और मटन का वजन है 10 किलो। अगर मैंने नहीं बताया है, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। ये चीज को आपने इसके अंदर डाल देना है, देखिए ऐसे करके। उसके बाद आपने इसमें डालना है फ्राई किए हुए काजू। काजू का वजन है 500 ग्राम। फ्राई की हुई प्याज, प्याज भी आप 500 ग्राम फ्राई करें। ये देखिए उसके बाद आपने इसमें डालना है अदरक ऐसी मोटी मोटी कटी हुई 300 ग्राम और 300 ग्राम लहसुन, कम से कम 40 हरी मिर्च, आप 50 भी डाल सकते हैं लेकिन 40 जरूर डालें। मैंने 50 डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 4 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लौंग का पाउडर, आधा टीस्पून जावित्री का पाउडर। जावित्री का पाउडर आपने ज्यादा नहीं डालना है, इस चीज का ध्यान रखना है। आधा टीस्पून जायफल का पाउडर, 4 टेबल स्पून शाही जीरा, 4 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 4 टेबल स्पून गरम मसाला, 4 टेबल स्पून देगी मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने क्या करना है इसको देखिए ऐसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ऐसे। अब ये देखिए कितना बढ़िया लगने लगा, एकदम पास से देखें आप, देख रहे हैं ना आप, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, मतलब मैं बता नहीं सकता, मजा आ गया मिलाने में, इतना मजा आ रहा है। जब मैं इसको पीसूंगा तो कितना मजा आएगा आप सोचिए। और आपने क्या करना है ऐसे मिला के इसको कम से कम आधा घंटा रख दें, तब और भी मजा आ जाएगा आपको। तो मैं भी आधा घंटा रखूंगा, आधे घंटे के बाद इसको कीमा बनाऊंगा। आधा घंटा हो चुका है, अब मैं आपको कीमा निकाल के दिखाने वाला हूं। उससे पहले अगर आप नए हैं होटल इंडस्ट्री में और आपको पता नहीं है कि इसमें ब्लेड कैसे लगाते हैं तो वो भी लगाना आपको सिखा दे रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है इसको ऐसे खोलना है। ये बहुत ही आसानी से खुल जाता है, इस तरीके से खोल लेना है और इसको बाहर निकालना है। देखिए खोलने के बाद आपने ये ब्लेड लगाना है, इसको आपने ऐसे नहीं लगाना है, कई लोग ऐसे लगा देते हैं, आपने इस तरीके से लगाना है। देखिए ऐसे ये जो हिस्सा है ये बाहर की तरफ होना चाहिए। ऐसे लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये लगाना है इसको, ये देखिए ऐसे लगाना है और ये जो छेद है ना यहाँ पर फंसना चाहिए ऐसे, ये देख रहे हैं ना, ऐसे इसको अच्छे से फंसा देना है ताकि इससे क्या होगा ऐसे ये हिलेगा नहीं। ये देख रहे हैं ना ऐसे फंसना जरूरी है। उसके बाद आपने इसको ऐसे कस देना है, देखिए इस तरीके से ये आसानी से कस जाता है। अब आप ऐसे अच्छे से कस लें, ये देखिए, ये देखिए ऐसे कस गया। कसने के बाद आपने हमेशा एक काम करना है, इसमें मटन डालने से पहले इसको चालू करके देख लेना है ये सही से लगाए तो आवाज
खन खन खनखन नहीं आएगी। अगर खनखन खनखन आवाज आ रही है, इसका मतलब ब्लेड ढीला है, कुछ गड़बड़ हो गई है। ये चीज आपने पहले चेक कर लेना है। उसके बाद आपने कीमा निकालना स्टार्ट करना है। और दूसरा बर्तन गंदा करने की जरूरत नहीं है। इसी को देखिए, ऐसे साइड में किया आपने इस तरीके से और ऐसे घुमा लिया। ऐसे घुमाने के बाद आधी परात आपने खाली कर ली, क्योंकि ये मसालों की परात है, तो आपने ऐसे खाली कर लेना है। और ऐसे उठाया है देखिए इस तरीके से, और इसमें ऐसे डाला और मशीन कर दी चालू। और आपने दबाना नहीं है, दबाएंगे तो क्या होगा, आपका उंगली इसके अंदर चली जाएगी और आपकी उंगली कट जाएगी। बहुत आराम से ऐसे डाले देखिए, इस तरीके से आराम से कीमा बन के बाहर आ जाएगा। देख लेना आप कितना मस्त निकल रहा है। तो बस यही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, दबाना नहीं है, आपका हाथ अंदर नहीं जाना चाहिए, एक चीज का आपने ध्यान रखना है। बस इसी तरीके से कीमा निकाल लेना है। देखिए बहुत ही आसान है, ज्यादा दबाए ना, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि सेफ्टी बहुत ही जरूरी चीज है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर कई बार आपका कीमा नहीं निकल रहा है तो आपने किससे दबाना, ये भी आपको दिखा दे रहा हूं। मशीन के साथ ऐसा एक चीज मिलेगी आपको दबाने के लिए, देखिए ऐसे आपने उससे दबाना है ऐसे, क्योंकि आपका हाथ अंदर नहीं जाना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए ऐसे उससे दबाए, ये है कीमा निकालने का सही तरीका। और अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम आएगा नहीं, फटाफट निकल जाएगा। देखिए कैसे निकला, लाइन लगी हुई है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से सारा कीमा निकालूंगा, उसके बाद आपको बताता हूं कि आपने और क्या करना है। तो कीमा निकालने के बाद मिलते हैं। अब कीमा निकल चुका है, सभी मटन खत्म हो चुका है, तो अब आपने क्या करना है, दोबारा से इसको निकालना है। कभी भी मटन का कीमा आप एक बार में ना निकालें, क्योंकि कई चीजें मोटी रह जाती हैं। तो आपने दोबारा सेम मशीन चालू करना है और इसको एक साइड में करके थोड़ा थोड़ा करके दोबारा निकाल लेना है सभी, तभी जाके आपका सीख कबाब एकदम बढ़िया बनेगा। तो आपने ये काम जरूर करना है। मैं भी दोबारा फटाफट निकाल लेता हूं, इसकी पूरी ना शकल चेंज हो जाएगी। अभी आप जो शकल देख रहे हैं ना, ये शकल एकदम चेंज हो जाएगी, कलर अलग हो जाएगा दोबारा निकालने से। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे शकल चेंज हो गई। अब हमारा कीमा निकल चुका, मैं आपको इसका फर्क दिखाता हूँ दोनों में। ये देखिए कितना फर्क है, देख रहे ना आप, ये है दो बार निकला हुआ और ये है एक बार निकला हुआ। तो आपने दो बार निकालना है, इस चीज का ध्यान रखना है, तभी आपका कीमा ऐसे मस्त बनेगा। देखिए कितना बढ़िया हो गया। और जब ये निकल जाएगा पूरी अच्छी तरीके से, तो आपने तुरंत मशीन को साफ कर देना है। मशीन गंदी ना रखें, नहीं तो क्या होता है, इसमें स्मेल आ जाती है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ऐसे निकालने सब अच्छी तरीके से। देखिए इस तरीके से निकालने के टाइम इन चीजों का ध्यान रखना है, अच्छे से निकाल लेना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, पीसने के बाद आप चाहे ना तो थोड़ा सा ऐसे लेके ना जीप पे रख के टेस्ट कर सकते हैं, खाना नहीं है, एक चीज का ध्यान रखना है। नहीं तो आप लोग कमेंट करेंगे कि ये बीमारी हो जाती है, ये हो जाता है, तो खाना नहीं है, टेस्ट जरूर करना है। उसके बाद आपने इसमें डालना है एक टेबल स्पून काला नमक, और एक टेबल स्पून नमक, दो टेबल स्पून कसूरी मेथी, दो टेबल स्पून गरम मसाला, दो टेबल स्पून जीरा पाउडर, दो टेबल स्पून येलो चिल्ली पाउडर, और आपने इसमें डालने हैं ढेर सारे धनिये के पत्ते चॉप किए हुए, कम से कम 250 ग्राम रोज वाटर, अच्छी खासी क्वांटिटी में डालें, खुशबू आना चाहिए। और आपने इसमें डालना है केवड़ा वाटर, दोनों चीजें ऐसे डालना है बढ़िया तरीके से। उसके बाद आपने इसमें डालना है कम से कम 4 टेबल स्पून देगी मिर्च पाउडर, इससे क्या होगा एक बढ़िया कलर आएगा, जैसे अभी ऐसा कलर देख रहे हैं ना, और भी अच्छा कलर आएगा। फिर आपने ऐसे अच्छे से इसको ऐसे मसलना है, जैसे कि मैं मसल रहा हूं ना, मसलना जरूरी है। जब आप अच्छे से मसलेंगे ना, तभी इसमें एक पकड़ आती है और मटन सीख कबाब बेहतरीन बनता है। तो इसको बनाने के लिए थोड़ी मेहनत भी आपने करना पड़ता है। देखिए ऐसे आप मसलेंगे ना, ये फाइनल है। जब आप ऐसे इसको मसलेंगे ना, तभी आपको महसूस हो जाएगा कि यार ये कितना अच्छा बनने वाला है, क्योंकि आप इससे बहुत ही करीब होते हैं
और जो खुशबू आएगी ना, बस आपके मुंह में पानी आने लगेगा, तब आपने समझ जाना कि बस अब बहुत ही बेहतरीन कबाब बनने वाला है। तो मैं थोड़ी सी मेहनत करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं कि आपने भी ऐसे ही मेहनत करनी है। अब ये तैयार हो चुका है, बहुत ही बढ़िया हल्का हो चुका है। देखिए, अब आप सोचेंगे मैंने इतना ज्यादा क्यों बनाया है, तो मैंने ये पार्टी के लिए बनाया है। लेकिन आपने करना क्या है, एकदम परफेक्ट चेक करने के लिए थोड़ा सा लेना है इतना। ये देखिए, हमेशा हमेशा बता रहा हूं, थोड़ा लेके और सीख में लगा लेना है। सीख में लगाने के बाद आप क्या करेंगे, आपको बताइए, आपने खा के देखना है कि कैसा हुआ, सीख से गिरा या नहीं। ये सब चीजें आपने अभी इसी टाइम पे देख लेना है चेक करके। तो मैं भी चेक करके देख लेता हूं, इससे क्या होगा आपको पता भी चल जाएगा कि सही बना या नहीं। ऐसे लगाने के बाद आपने तंदूर के अंदर डाल देना है, देखिए इस तरीके से। अब हमारा मटन सीख कबाब हो चुका है। अच्छा हुआ है या नहीं ये मैं नहीं बताऊंगा, आपने मुझे बताना है कमेंट करके देखने के बाद कि शेफ मजा आ गया देख के। ये देखिए कितना लाजवाब हुआ है, जितना बड़ा हमने लगाया था उतना ही बड़ा है। इसका मतलब बहुत ही बेहतरीन हो गया है। अगर आपका कबाब सुकड़ जाता है तो अच्छा नहीं होता है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूं। आपने हमेशा की तरह आगे से ऐसे सीख को साफ कर लेना है इस तरीके से, जैसे कि मैं कर रहा हूं। उसके बाद ये देखिए ऐसे आपने थोड़ा सा ऐसे घुमाना है इस तरीके से, और घुमा के ऐसे खींच लेना है। देखा ना क्या बेहतरीन कबाब हो गए। अब मैं आपको खा के दिखाता हूं कितना मजा आएगा ना, बहुत ही गर्म है देख लेना, और खुशबू ओफ, पानी आया ना मुंह में। तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।